लेकिन पहले दर्शकों तक यह खबर पहुंचा दूं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर है, चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे शरद पवार। दशकों तक जिनका राजनीति का करियर रहा है, शरद पवार अब चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे, ये अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें, चुनावी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं शरद पवार। तो एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, शरद पवार जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के मुखिया हैं, वो संन्यास लेंगे चुनावी राजनीति से, ये जानकारी हमें मिल रही है। वो शरद पवार जिनका दशकों का राजनीतिक करियर है, लंबा अनुभव रहा है, कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद उन्होंने एनसीपी बनाई, अब एनसीपी दो भागों में विभक्त हो गई है, एक के मुखिया वो खुद हैं, दूसरे उनके भतीजे के पास है दूसरा गुट, और अब शरद पवार चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय राजनीति के एक प्रमुख हस्ताक्षर के तौर पर देखा जाता है शरद पवार को। आइए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। गणेश, क्या पता चल पा रहा है? और जी देखिए, शरद पवार ने साफ संकेत दिए हैं कि पिछले 30 सालों से वो संसद में मौजूद हैं, राज्यसभा में फिलहाल वो सांसद के तौर पर काम करते हैं, और 30 साल से बहुत लंबा समय होता है, और कुछ साल पहले उन्होंने ये साफ कर दिया था कि विधानसभा के चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने यही कहा है कि अब नए पीढ़ी को आगे आना चाहिए, कितने साल तक हम करेंगे, जिस बात को लेकर एनसीपी के इसमें फूट पड़ी थी, तो उन्होंने ये साफ कहा है कि चुनावी राजनीति से, या संकेत दिए हैं हम कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति से वो संन्यास लेने का विचार कर रहे हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे ये स्पष्ट है, यानी पूरी तरह से राजनीति से संन्यास नहीं, तो चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की एक तरह से संकेत शरद पवार ने लिए हैं। वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोल वोटिंग के जरिए अब नई पीढ़ी में आना चाहिए, तो उनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी प्रमुख बने रहेंगे इस बात पर अभी वो तय, वो अभी भी बरकरार है, और पार्टी की जो गतिविधियां हैं, पार्टी के जो काम है, उस पर भी उनकी नजर बनी रहेगी, उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो हम यही मान के चल सकते हैं कि वो चुनावी राजनीति से संन्यास, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, चुनावी राजनीति में नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करते रहेंगे, इस तरीके के संकेत हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अभी की बहुत बड़ी खबर, चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे शरद पवार, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए, मैंने चौदह चुनाव लड़े हैं, ये बात भी कही शरद पवार ने, यानी चुनावी राजनीति से वो संन्यास लेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए, महाराष्ट्र चुनाव से पहले अभी की यह बहुत बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट। भारतीय राजनीति के दिग्गज शरद पवार जो कई दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, अलग अलग भूमिकाएं सरकार में निभा चुके हैं, अब वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। गणेश ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। गणेश, क्या कुछ कहा शरद पवार ने, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, शरद पवार ने अपने भाषण में ये कहा कि पिछले 30-35 साल से मैं चुनाव लड़के आया हूँ, और मैंने पहले ही ये निर्णय ले लिया था कि मैं अब विधानसभा में नहीं जाऊंगा, और उसके बाद मैंने अपनी जिम्मेदारी सारी विधानसभा महाराष्ट्र की जिम्मेदारी अजीत पवार को दे दी, अब आगे 30 वर्षों की जवाबदारी नए नेतृत्व को देनी चाहिए। पिछले 30 सालों से जिन पर जिम्मेदारी दी थी उन्होंने तमाम कोशिशें की कि ये सारे प्रश्न जनता के वो सुलझा पाए, उनकी दिक्कतें दूर पाए, और कई जगहों पर ऐसा हुआ कि जो कई सालों से इलेक्ट्रल वोटिंग पॉलिटिक्स करके आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से काम नहीं होता, वो काम नहीं करते, तो ऐसे में उनका रिप्लेसमेंट एक ऐसी पीढ़ी होनी चाहिए जो राजनीति को बहुत गंभीरता से ले और जनता के प्रश्नों को गंभीरता से ले, इसीलिए ऐसी पीढ़ी को आना जरूरी है, वो तभी आ पाएगी जब पुराने लोग यहाँ से हटेंगे। और उनका ये भी कहना था कि उनके पास 1.5 साल का राज्यसभा का कार्यकाल बचा है, अब उसके बाद वापस वो राज्यसभा आना चाहेंगे, उन मराठी में वो कह रहे हैं कि वो अभी मैंने निर्णय नहीं लिया है, और कितने साल ये आगे चुनाव लड़ते जाएंगे, तो ये जनता का प्यार है जो मुझे यहाँ तक ले आया है, उनके दिया है, लेकिन अब नई पीढ़ी को आना चाहिए, तो चुनावी राजनीति यानी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है वो नहीं करना चाहते, इससे साफ संकेत मिलता है, लेकिन
पार्टी में उनकी जो भूमिका है, पार्टी की जो वो एक दौर है जिसको जिससे तमाम पार्टी के नेता जुड़ते हैं, पार्टी चलती है, तो वो दौर बने रहेंगे, कायम रहेंगे, ऐसा इससे संकेत मिलता है। क्योंकि उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं पार्टी की जिम्मेदारी कहीं देना चाहता हूँ। वो अजीत पवार का उल्लेख करते हैं कि जब मैं दिल्ली गया तो मैंने राज्य का बागडोर अजीत पवार को दी। अब दिल्ली नहीं रहने की बात, डेढ़ साल बाद वो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, उस बारे में बात। चलिए नजर बनाई कर रखिएगा इस पर गणेश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।